सुप्रभात बच्चों, कक्षा 4। आज हम हिंदी की कक्षा में पाठ 13 एक बूंद का उच्चारण करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एक बूंद। बच्चों, एक बूंद कविता को लिखने वाले रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंध जी हैं। बच्चों, इस नेम को हमें याद रखना है और लिखकर भी देखना है। और याद रखें कि ये जो है कवि, उन्होंने क्या लिखा है, कौन सी कविता लिखी है, एक बूंद। चलिए बच्चों, हम इस कविता को पढ़ते हैं। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। जो मीन्स जैसे ही निकलकर बादलों की गोद से एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी। फिर वो अपने मन में, जी मीन्स मन में, बार बार यह सोचने लगी, आहा, घर छोड़कर मैं क्यों कड़ी, कि मैं अपने घर से बाहर क्यों निकल आई। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, कि हे भगवान, मेरे भाग्य में आपने क्या लिखा है। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, कि मैं बच सकूंगी या फिर किसी धूल में मिलकर मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, या मैं किसी अंगारे पर गिरकर जल जाऊंगी। चू पड़ूंगी या कमल के फूल में, या मैं किसी कमल के फूल में गिर पड़ूंगी। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, तभी जो बूंद थी वो सोच ही रही थी कि मेरे साथ क्या होगा, तो अचानक से ही वहाँ पर एक तेज़ हवा बह जाती है। वह समुंदर और आई अनमनी, अनमनी मतलब बिना मन के, अचानक से ही हवा के प्रवाह से वो समुद्र की ओर बह जाती है, समुद्र की ओर चल देती है। एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, और वहाँ समुद्र के अंदर, बच्चों समुद्र के अंदर बहुत सारे सीप होते हैं, स्नेल होते हैं, तो वहाँ एक सीप जो था उसका मुंह खुला हुआ था, वह उसी में जा पड़ी, मोती बनी, और वो उस सीप में गिर गई, और उसका क्या बन गया, मोती का मोती बन जाता है बूंद का। कि लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, और यहाँ पर कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंध जी कहते हैं कि लोग अपने घरों से निकलते वक्त ऐसे ही झिझकते हैं, सोचते हैं, जब भी उनको छोड़ना पड़ता है घर, जब वो अपने घरों को छोड़कर निकलते हैं तो वो ऐसे ही झिझकते हैं, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लोग कुछ और ही देता है कर, कि अगर जब वो, लेकिन वो अपने मन में झिझकते हैं, सोचते हैं कि हम अपने घर से निकल रहे हैं, पता नहीं हम इस चीज़ में कामयाब होंगे या नहीं, हमारे काम पूरे होंगे या नहीं, हमारा घर से बाहर निकलना ठीक है या ये जॉब छोड़ना ठीक है या नहीं है, वो ऐसे ही झिझकते और सोचते हैं। लेकिन जब भी हम कुछ करते हैं तो हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लोग कुछ और ही देता है कर, कि घर को छोड़ना अक्सर उनके लिए अच्छे परिणाम देता है। और बूंद की तरह, जिस तरीके से बूंद झिझक रही थी अपने घर से निकलते हुए, बादल से निकलते हुए, लेकिन वो अचानक से किसी सीप में गिर जाती है और उसका मोती बन जाता है, और जो उसकी लाइफ को और भी अच्छा बना देता है, उसका लाइफ टाइम ज़्यादा हो जाता है। इसी तरीके से बूंद की तरह हम भी अगर सकारात्मक सोच लेकर घर से निकलें या किसी काम के लिए निकलें, तो हमारे काम भी बहुत अच्छे से पूरे हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी कविता थी एक बूंद, और इसके रचयिता थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंध। सो स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर टुडे। गुड बाय।